नली दा आ नली ऐ थे आ जा, ओ देखो आवाज़ सुनी आवाज़ भाई, देखो है खूबसूरती है या नो है, हैं पहले ये बताओ कि ये रेसिपी जो है ना ये हेल्दी रेसिपी नहीं है भाई, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है यार। तो बाकी भाई देखो ऑयली बहुत है, नो डाउट ये ऑयल से बराबर लैस है। ऐसे पा लो मैं भाई भिंडी, ए भिंडी के नीचे भाई नली का पीस। हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो की, भाई वीडियो इस प्रकार से की आपका भाई आज ट्राई करने जा रहा है भाई भिंडी और मटन भाई एक साथ बनाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना भाई, कढ़ाई लगा दी है जी, इसमें डालता हूँ जी मस्टर्ड का तेल भाई, कितना 12 से 14 टेबल स्पून है, ज्यादा नहीं है भाई, इसके अच्छे खासे गर्म होने की वेट तो कर लो। तो जी तेल ठीक ठाक गर्म हो चुका है, तो डालो जिसमें प्याज भाई ऑनली 300 ग्राम। तो जी इसे पिंकिश पिंकिश एंड ब्राउनिश ब्राउनिश भाई पका लो। तो जी प्याज अपने पिंकिश पिंकिश एंड हल्के हल्के ब्राउनिश ब्राउनिश हो गया, तो करना क्या भाई, देख रहे क्या भाई जी मटन है भाई, कितना है 1 किलो 300 ग्राम है, ज्यादा नहीं है ठीक है, इन चक लो तो ऐसे पा लो पा लो। तो जी मिलाओ नमक लगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक एज यूजल 2 टेबल स्पून, लहसुन 3 टेबल स्पून एज यूजल डाल दो, कर दो मिक्स मुक्स चंगे से। तो जब करना क्या, करना कुछ खास नहीं है, इसे आप 5 से 6 मिनट तक भाई हाई फ्लेम पे भाई पकाएंगे। तो दोस्तों भाई 5 नहीं पूरे 10 से 12 मिनट तक मैंने इसको जी हाई फ्लेम पे पकाया यार। करना क्या जी, गैस का फ्लेम थोड़े लो कर लियो भाई, इसमें डालते हैं जी 2 चम्मच गरम का मसाले का पाउडर, 4 चम्मच भाई कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच धनिया का पाउडर भाई, 3 टेबल स्पून भाई मीट मसाला भाई मेरा फेवरेट। तो जी कर दो उसको मिक्स मुक्स चंगे से। तो जी मिक्स मुक्स मैंने कर दिया, गैस का फ्लेम हाई कर दो, थोड़ा पानी मिला लो भाई, करीब 1 गिलास पानी मिलाया मैं इसमें ठीक है जी। अब इसे हाई फ्लेम पे भाई करीब 5 मिनट तक और पका लो। तो जी उबाल आ चुकी है, अब करना क्या जी, पानी सफिशिएंट है ठीक है, बाद में देख लेंगे, गैस का फ्लेम लो कर लियो, इस पे ढक्कन रख लो जब तक ये हल्का फुल्का भाई गल जाए, 40 मिनट तक रख लो। तो दोस्तों आखिर 1 करोड़ साल के बाद मिलते हैं जी दोबारा, चक लो भाई, नहीं गला था 40 मिनट में, अब मुद्दा है कि अब कितना गला हुआ है, मक्खन बन गया जी मक्खन। तो जी करना क्या जी, ये तो करीब करीब 95% गल चुका हुआ है, तो करना क्या जी, जो इसकी ग्रेवी है ना ये थोड़ी शॉर्ट कर दूंगा आप यार, पहले हाई फ्लेम करके जो अपने मटन है भाई वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है ऑलमोस्ट भाई, इतना ही ड्राई करने का है ठीक है। तो गैस को फ्लेम फिलहाल बस बंद कर दो भाई, कढ़ाई लगा दिए जी ट्रेडिशनल पुरानी वाली अपनी, तो डालते जिसमें मस्टर्ड का तेल भाई 6 टेबल स्पून है, ज्यादा नहीं है, तो इसके अच्छे खासे गर्म होने का वेट तो कर लो। तो जी तेल ठीक ठाक गर्म हो चुका है, तो डाल दो जी इसमें भाई भिंडी, तो डाल दो सारी सारी भिंडी भैया, आधा किलो भिंडी ज्यादा नहीं है, तो उसको मिक्स मुक्स चंगे से। तो जी लगे डाल दो भाई चॉप करके भाई लहसुन ओनली 1 टेबल स्पून, तो कर दो उसको मिक्स मुक्स चंगे से। तो जी इसे आप करीब 5 से 6 मिनट भाई हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो जी 5-6 मिनट हो गए जिसको पकते हुए, ठीक है हाई फ्लेम पर करना क्या जी, डाल दो उसमें प्याज इस तरह से कटे हुए, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में पता नहीं क्या बोलते हैं, इस तरह कटे हुए कर दो मिक्स मुक्स चंगे से। तो जी मिक्स मुक्स मैंने कर दिया जी, तो डाल दो जिसको भाई 2 चम्मच भाई कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच भाई गरम मसाले का पाउडर भाई, 1 चम्मच भाई धनिया का पाउडर, कर दो उसको मिक्स मुक्स चंगे से। तो जी कड़छी चलाते चलाते इसे आप करीब 3 से 4 मिनट तक भाई हाई फ्लेम में पकाएंगे ठीक है जी। हाँ भाई कड़छी चलाते रहना भूलना नहीं। तो जी 5-6 मिनट हो गए हाई फ्लेम में पकते हुए, अब करना क्या जी भाई, डाल दो जी नमक भाई, ध्यान रहे कि मीट में भी नमक लाए उस हिसाब से भाई, देख रहे क्या भाई आमचूर है भाई, कितना है 1 चम्मच भाई डाल दो, कर दो उसको मिक्स मुक्स फिर से। तो जी इसे आप 1 मिनट के लिए और पका लो बस। तो जी 1 मिनट हो गया जी इसको पकते हुए जी, गैस का फ्लेम भाई बंद कर दो ठीक है जी, करते नेक्स्ट कार्रवाई। तो जी मटन ने कम बैक कर दी है और मैं गैस का फ्लेम भी ऑन कर दिया है जी, तो डाल दो जी भाई भिंडी और प्याज इसके ऊपर चप्पे चप्पे पे। तो जी भिंडियों को हमने चप्पे चप्पे पे फैला के रख दिया जी, तो डाल दो जी ऊपर से हरी की मिर्चा। अब आप गैस का फ्लेम भाई लो कर दोगे, इस पे ढक्कन रख लोगे भाई ओनली फॉर 10 मिनट्स, ज्यादा नहीं। तो दोस्तों भाई पूरे के पूरे 10 मिनट हो गए, चक लो। ओ भाई वाह भाई वाह भाई, भिंडी तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, एंड ए किथे ए भिंडी के नीचे भाई नली का पीस। तो लो दोस्तों भाई बनके तैयार, कुछ करते जी टेस्ट। तो लो दोस्तों भाई बनके तैयार हो जी अपनी भाई भिंडी घोष बोल लो, भिंडी मटन बोल लो, भाई जो नामकरण करना है भाई कर लो भाई, मैं भी सोच लेगा। हाँ भाई देखो यार भाई, बताओ दिखने में लग कैसा रहा है, हाँ बताओ ये पीस फटे फटे पीस भाई नली के अलॉन्ग विद भाई ये दिस मटेरियल कैसा लग रहा है दिखने में, है खूबसूरत या नहीं है भाई, दिस इज लेडी फिंगर, बोले तो
हाँ भिंडी भाई बहुत ही कोमल है, बहुत ही भाई क्या बताऊँ कितनी मुलायम है ये यार, सच में बहुत अच्छी क्वालिटी की भिंडी मैं लेके आया हूँ जी बाजार से भाई 60 रुपये किलो 50 रुपये किलो इन्नी है। तो बाकी भाई देखो ऑयली बहुत है, नो डाउट ये ऑयल से बराबर लेस है, जो कि भाई मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ कि डेली खाओ भाई। हाँ ये कभी कभी महीने में एक आध बार या मेहमान मुहूर्त के लिए, बट डेली नहीं खाना, हेल्थ खराब हो जाएगी, क्या फ़ायदा भाई। देखो है खूबसूरती है या नो है, हाँ पहले ये बताओ भैया। साथ में क्या लिया जी, साथ में लिए जी बहुत ही खूबसूरत भाई फुलके अपने हैं, देखो ऐसा ही नहीं, और साथ में लिए जी निक्के मुट्टे प्याज भाई, डिमॉन्स्ट्रेशन हो चुकी हुई है। अब मैं बाइज्जत भाई प्लेट लेके आता हूँ और इसे इत्मीनान से खाता हूँ कि भाई शुरुआत किसे की जाए। भाई शुरुआत हम करेंगे भाई लेडी से, भाई लेडीज फर्स्ट होती है, आ भाई लेडी, लेडी फिंगर आ तो भाई नलियाँ बाद में आएंगी, जेंट्स में आती है। भाई देख लो यार लेडी फिंगर कैसी लग रही दिखने में, है भिंडी भाई मुझे ये बताओ इस लेडी फिंगर को लेडी फिंगर क्यों कहा जाता है, इसे जेंट फिंगर क्यों नहीं कहा जाता, ये नामकरण कब हुआ था और किसने किया था, अगर किसी को हिस्ट्री मालूम है तो प्लीज मुझे बता देना यार, ये जेंट फिंगर क्यों नहीं है, ओनली लेडी फिंगर। आओ टेस्ट करके देखते हैं यार। ओए ओए कि मैं क्या बताऊं आपसे यार, कितना मक्खन जैसा है यार, बिल्कुल मक्खन जैसा भाई, बहुत ऑयल है, सॉरी यार बहुत ऑयल है, लेकिन बहुत जरूरी था, इसके बगैर भाई मेरे पास कोई वो नहीं था यार, ऑल्टरनेटिव नहीं था मेरे पास यार कोई। हाँ भाई ओ मैं क्या बताऊं आपसे यार, यार ये बहुत निहायत ही बहुत ही भाई जबरानजा है भाई, भिंडी जबरानजा है विदाउट एनी डाउट, भिंडी जबरानजा अपने आप में यार। हाँ भाई वो क्यों है भाई, वाकई में जो मटन का फ्लेवर इसमें आया हुआ है और जो मैंने आमचूर यूज़ किया था भाई, क्या खटास दी उसने, हल्की हल्की फुल्की फुल्की सी यार। भाई इन कीड़ों पे ध्यान मत देना भाई, प्रसाद टाइम है ये लाइटें में ऐसे होता है यार। हाँ भाई मैं क्या बताऊँ क्या फ्लेवर है यार, सच में कह रहा हूँ मैं, मसाले बिल्कुल बैलेंस्ड है, मतलब कि पता ही तो आपने जो रेसिपी देखी भाई वही है, बट लेकिन भाई जबरानजा है यार। तो जी मुद्दा ये है कि मैं कड़ा पीस कटा ए नली का, आ नली ऐसे आ जाए, ओ देखो आवाज़ सुनी आवाज़ यार, मैंने प्याज ये प्याज ये प्याज मुझे खाने के हैं यार, ये कहाँ छुप गए थे यार, आवे ओ वाह भाई वाह भाई जबरान साहब 50x एक्स करो भाई, प्याज इतने स्वादिष्ट हैं यार, कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी हैं, कंची बोलते हैं क्रिस्पी बोलते हैं जो बोलते हैं भाई, वाकई में यार लजीज है भाई, जबरानजा भाई जबरानजा हो रहा है भाई, सच में कह रहा हूँ यार। भाई जो आपने नोटिस नहीं किया होगा, जब मैंने प्याज और भिंडी आपस में फ्राई किए थे और मैंने इसमें लहसुन डाल दिया, लहसुन भाई वो लहसुन ना थोड़ा वो नहीं था जो एक जला हुआ लहसुन, बर्न लहसुन जैसे कहते हैं, बर्न गार्लिक, हाँ भाई वो फ्लेवर इतना प्यारा दे रहा ना, मैं आपसे क्या ही बताऊँ यार, जब आपके वो जुबान पर आते हैं यार, वो थोड़ा ना ब्राउनिश कर देना आप जो अपने लहसुन है यार। तो आ भाई ये नली भाई टाइट है, इसका तो हमें डाउट है, ये छींटे मारेगा और कुछ नहीं करेगा, इसको हम ऐम ही पहले ऐम ही ट्राई कर लेंगे ऐसे ऐसे ही आया, लेकिन लिक्विड फॉर्म में आया जैसे ऐसे चलाता रहता है यार। तो आ भाई अब खाते हैं लॉलीपॉप और नली को, ओ भाई स्वाद भाई स्वाद भाई जबरानसा भाई जबरानसा हो रहा भाई, क्या मजेदार चीज है यार, सच में कह रहा हूँ यार। आओ यार ये रखते हैं इसके ऊपर ये प्याज पूस एंड दिस भिंडी, एंड भाई जो ये रेसिपी है ये मेरे अपने भाई हैं भाई, जो काफ़ी टाइम से मुझे भाई मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे भाई भाई ये बना दो यार भिंडी गोश्त बना दो। हाँ तो भाई ये टाइगर जिंदा नाम से एक आईडी है, उनका नाम मुझे नहीं मालूम एक्चुअल क्या है भाई, उन्होंने कहा था मुझे बनाने के लिए और हमने बना डाला भाई, भाई सॉरी काफ़ी लेट बना, तो अपने एक भाई भी हैं जो कह रहे हैं भाई कच्ची बिरयानी बनाने के लिए भाई, वो भी बना देंगे और बहुत सारी चीज़ें जो हम जरूर बनाएंगे यार, वो किनिया गल्ला ओए आ जाओ। ओ भाई ओ मैं क्या बताऊँ यार, ये प्याज ये भिंडी रखने पे जो फ्लेवर दिया यार, जो मसाले इस पे चिपके हुए हैं ना किस पे भाई, भिंडी पे और प्याज पे, और जो मैंने जैसे बताया वो जो गार्लिक जो जला हुआ है वो यार, वो क्या फ्लेवर दे रहे हैं अलॉन्ग विद दिस नली यार, सच में जरूर करना प्याज भिंडी एंड दिस नली को एंजॉय करके ना सेट करके ना खा लेना यार। स्वाद भाई मैं सच कह रहा हूँ, कहीं ज़्यादा उम्मीद से कहीं ज़्यादा ये भाई बहुत टेस्टी बना हुआ है,
मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भाई भिंडी और मटन भाई एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है, अच्छा फ्लेवर दे सकता है, बट अपनी मेहनत भाई रंग लाई है और वाकई में यार भाई इस तरह से इस फार्मूले से जरूर ट्राई करना प्लीज यार, सच में वाह भाई चट हो गया, सारा चट हो चुका है। तो आ फुलके ऐथे आ मस्त मस्त ये लैंड करा जी, ये था ये भिंडी भी ऐथे अलोंग विद दिस प्याज, ये तो कहर कहर भाई। देखो आप मुझे भाई कहते हो भैया इसे नीचे रख के भी आप खा सकते हो, बट यार मैं सच में कह रहा हूँ ये फॉर्मूला ट्राई कर लो एक बार देसी स्टाइल भाई, आप पूरा दुगना स्वाद है, दुगना स्वाद ऐसा खाने पे ऐसा ओए नठिया नहीं ओए आ भैया। देखो ये भिंडी कर दी फैक्स जी इसके अंदर और ये मस्त मस्त ये मटन का पीस इसमें सेट करके रख दो ओए, आज तो स्वाद का कहर बरस रहा जी मेरे ऊपर, सच में मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा क्या लजीज चीज बनकर तैयार हुई है जी। आज तो मुंह मिठू मो मियाँ मुंह मिठू जो बोलना बोलो मैं सच में कह रहा हूँ यार क्या फ्लेवर है यार मतलब कि आज मैं ये कह रहा हूँ कि मटन से ज्यादा भाई भिंडियों में स्वाद आ रहा है यार आ नली उन बैठ तो कली कली थे मैं इसे ये आ गया पीस इससे रखते निपटते ऐसे बन गया जी पान पान वो बाइट बहुत ज्यादा हो गई थी यार बहुत टेस्टी बना यार, मतलब कि ये कॉम्बिनेशन बहुत क्लास है यार अब इसमें तो नली चक्की नहीं कम है भाई, नलियां तो बहुत टाइट है यार सच में, ना यार ना लिक्विड फॉर्म ना सॉलिड फॉर्म नथिंग नो फॉर्म इट इज ऑलरेडी जैम्ड बहुत जैम्ड भाई वाह भाई फुलका हो गया चट, भिंडियों की चट एंड नली चट भाई किंग को लिखता हूँ जी मैं बाई तरीके से यार। तो जी किंग की एंट्री हो चुकी है, किंग आज चिपका चिपका है सो सॉरी यार है 1 2 3 4 तो ज़्यादा नहीं हो पाया आओ भाई आओ। तो आ भाई ये वड्डा जिया नली का पीस इतने लैंड करना जी है गाजी ऐ जी आ भैया मस्त मस्त भिंडी अलोंग विद प्याज। तो आ भाई करो जी मिक्स मुक्स आ भाई पहली बाइट यार किंग ने क्या स्वाद दिया यार क्या स्वाद दिया, मैं अपने अपने आप पे विश्वास नहीं कर रहा हूँ कि भाई ये रेसिपी जो है ये इतनी दुरंध रेसिपी कैसे बनी यार, मुझे सही में कह रहा हूँ मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि भिंडी और मटन एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनकर भाई आएगा हाँ मैं सच में कह रहा हूँ यार तो जी इस मटन के पीस को भी एक गोला ना बहुत टेस्टी होता है वो खाम का मैंने प्याज खा लिया यार सच में कह रहा हूँ टेस्ट खराब हो गया, अब मुझे दोबारा ट्राई करना पड़ेगा यार सच में यार इस प्याज ने मेरा मूड खराब कर दिया, अब मैं दोबारा ही ट्राई करेगा ये गोला हाँ गोले बैठ थे और खाओ वो भाई आ तुम बहुत स्वाद आ रहा यार, जितना लास्ट टाइम उस ग्रिल चिकन ने स्वाद बर्बाद किया था भाई उसकी भरपाई भाई नेक्स्ट में होगी पूरी यार सच में, ये प्याज ना बहुत टेस्टी है मैं बार बार कह रहा हूँ विदाउट एनी डाउट कि ये रेसिपी जो है ना ये हेल्दी रेसिपी नहीं है भाई, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है यार, क्यों ऑयली है मसाले से लोडेड है बट महीने में एक आध बार भाई चल जाता है भाई, शादियों में नहीं खाते क्या खाना हम, शादियों में कितना खाते हैं हम मसालेदार बस
वंस इन अ ब्लू मून। तो वैसे ये फॉर्मूला कि भाई ये भी भाई महीने में एक बार कभी कभी चलता है यार। जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों भाई ये था जी भिंडी गोश्त भिंडी मटन बोल लो, ये कह रेसिपी आप जरूर ट्राई करना सेम मेथड से, मुझे बताना कैसे लगे कैसी बनी। मेरी नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।